हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद मैं क्या करूंगा, दो क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो इसको आप पूरा इंटायर वीडियो देखिए, तभी जाके आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है सिलोजिज्म का, इसमें हम क्या 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 चीजें हमें कुछ याद करने की जरूरत है। अब जैसे मेरा पहला दिया हुआ है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी मतलब क्या होगा, ए का जो, ये मेरा ए है, तो ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो रहा है, बी। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सम ए आर बी, ये जो मेरा पार्ट है सम ए आर बी। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, सम ए आर बी बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले ए का हम एक सर्कल बना देंगे और एक बी का बनाएंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, बीच में एक ओवरलैप कर देंगे, इसका एक हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन का जो पार्ट रहेगा वो मेरा क्या डिनोट करेगा, सम ए आर बी, मतलब ए का जो कुछ पार्ट है वो बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ये इसको हम याद करेंगे और इसको, इसका वेन डायग्राम हम ऐसे ही सिर्फ ड्रॉ करेंगे। और जो मेरा सेकेंड है वो क्या लिख रहा है, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी मतलब क्या हो जाएगा, एक ए का मेरा एक सर्कल रहेगा और वो क्या हो रहेगा, पूरे बी में क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। जो मेरा ए का एक सर्कल है वो क्या रहेगा, पूरे बी में इंक्लूड रहेगा। इसका वेन डायग्राम हम ऐसे ही बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इस चीजों को आप याद रख लीजिए। देखिए क्या था, सम ए आर बी, तो एक ए का सर्कल रहेगा, जो बी का रहेगा वो क्या रहेगा, ए का कुछ पार्ट वो क्या करेगा, कवर करेगा। तो इस पार्ट को हम जनरल वे में इंटरसेक्शन बोलते हैं, लेकिन हम सिलोजिज्म में इसको हम क्या रीड करेंगे, सम ए आर बी, और सेकेंड मेरा क्या है, ऑल ए आर बी, मतलब ए का पूरा पार्ट क्या हो रहा है, बी में इंक्लूडेड है। तो इसको हम ऐसे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। और थर्ड वन क्या दिया, नो ए इज बी, मतलब जो ए का जो पूरा पार्ट है, जैसे ए का ये मेरा पार्ट है, ये क्या हो रहा है, इसका बी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो ए है और बी है, इस दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं और इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ चेक करोगे तो बी में ए इंक्लूडेड है, इस तो हम इसको क्या रीड कर सकते हैं, ऑल ए आर बी, और इसको रिवर्स में जब रीड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सम बी ऑफ ए। तो देखिए अब ये क्या लिखा है, सम ए आर बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन आएगा। No A is B, तो A और B में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, A और B में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ क्या लिखा है, ऑल A आर B, मतलब A का पूरा पार्ट क्या है, B में इंक्लूडेड है। तो देख फ्रेंड्स, इसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक कंसेप्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ दो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन लेके हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, सम ट्री आर पेपर, सेकंड इज ऑल पेपर आर इंक्स, एंड थर्ड वन इज द सम इंक्स आर ब्लू। तो हम क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट को जैसे मैंने वेन डायग्राम में आपको बताया है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सम ट्रीज आर पेपर, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं इसको, ये देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये ट्री हो गया, तो इसको मैंने यहां क्या कर दिया, ट्री मार्क कर दिया। तो सम ट्री आर पेपर, तो इसका कुछ पार्ट है वो यहां चले जा रहा है, तो सम ट्री आर, इसको हमने क्या कर दिया, पेपर मार्क कर दिया। तो सम ट्री आर पेपर, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल पेपर आर इंक्स, तो ऑल पेपर आर क्या हो जाएगा, इंक्स हो गया। एंड थर्ड क्या बोल रहा था, सम इंक्स आर ब्लू, तो सम इंक्स आर ये क्या हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, ब्लू। तो सी फ्रेंड्स क्या क्या दिया हुआ, सम ट्री आर पेपर, ऑल पेपर आर इंक, एंड सम इंक्स आर ब्लू, मतलब ट्री का कुछ पार्ट पेपर में जा रहा है, पेपर का पूरा पार्ट इंक में जा रहा है, और इंक का कुछ पार्ट ब्लू में जा रहा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट था, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो सारे कंक्लूजन दिए हैं, सारे कंक्लूजन को चेक करते कि हमारा सारा कंक्लूजन क्या है, राइट है या रॉन्ग है। तो ये सारे कंक्लूजन को मैंने यहाँ नंबर वाइज लिख लिया, और जैसा भी रहेगा सबके आगे राइट या रॉन्ग करते मैं लिखते जाऊंगा और चेक करूंगा कि कौन सा मेरा कंक्लूजन राइट है।
तो सी नंबर वन कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम इंग्स आर ट्री, ये बोला है ना, सम इंग्स आर ट्री, तो सम इंग्स आर ट्री, तो इस पार्ट का हो सकता है मतलब क्या, देखिए क्या हो रहा था, ऑल ये क्या लिखा था, ऑल पेपर्स आर इंक, ये तो मैंने सेकेंड स्टेटमेंट से ड्रॉ कर लिया था, बट जो मेरा ये क्या बोल रहा था, सम इंक्स आर ट्री, मतलब इंक का कुछ पार्ट ट्री में जा रहा है। तो देखिए ये जो मेरा वेन डायग्राम ये ऐसे पूरा ये पेपर का था, तो ये वाला जो है ये शेडेड पोर्शन है, ये वाला ये क्या हो रहा है, ट्री में भी जा रहा है, पेपर में भी जा रहा है, और ट्री का पेपर जा रहा है, ट्री का इंक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा कंक्लूजन वन है वो क्या है, राइट है। सी सम इंक्स आर ट्री, तो मतलब इंक का कुछ पार्ट ट्री में जा रहा है, यही है ना, जब भी ट्री का मेरा पार्ट पेपर में जा रहा है और पेपर का पूरा पार्ट इंक में जा रहा है, तो ट्री और इंक का भी रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि सम इंक्स आर ट्री इज राइट। एंड सेकंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम पेपर आर ट्री, तो सम पेपर आर ट्री ये तो हमारा दिया हुआ था, सम ट्री आर पेपर और सम पेपर आर ट्री, ये वाइस वर्सा है, तो इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं मतलब क्या है, ट्री का कुछ पार्ट पेपर में जा रहा है या पेपर का कुछ पार्ट ट्री में आ रहा है, ये वॉइस वर्स है ना, सम ट्री आर पेपर और सम पेपर और ट्री, इस दोनों का मतलब यही हुआ। एंड थर्ड क्या दिया हुआ है, सम ब्लू आर पेपर, तो सी ये पेपर इधर है और ब्लू इधर है, बट हम जानते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, सम इंक्स आर ब्लू, ये लिखा हुआ था ना, सम इंक्स आर मतलब इंक का कुछ पार्ट ब्लू में है और पेपर और ब्लू का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ये लिखा था सम ब्लू आर पेपर, सम ब्लू आर पेपर, बट वी नो पेपर और ब्लू का कोई भी रिलेशन नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब लास्ट स्टेटमेंट पे जाते ही क्या लिखा हुआ है, सम ब्लू आर इंक, तो सम ब्लू आर इंक, यस डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, राइट, ये तो हमारा दिख ही रहा, सम ये लिखा था ना, सम इंक्स आर ब्लू और सम ब्लू आर इंक्स, तो इस स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट फोर फॉलोज एंड स्टेटमेंट थ्री डज नॉट फॉलो। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट फोर आर फॉलोज एंड स्टेटमेंट थ्री डज नॉट फॉलो। तो सी फ्रेंड्स कितना ज्यादा इजी है, हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। वेन डायग्राम मैंने आपको बताया कैसे ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम आपने जैसे ही ड्रॉ किया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी कंक्लूजन दिया रहेगा उसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम चेक करेंगे और जो जो राइट होता जाएगा उसको हम राइट करेंगे और जो क्रॉस होगा उसको क्रॉस करके हम फाइनल आंसर बोल देंगे। तो देखता हूं मैं आज का दूसरा और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बेसिक कंसेप्ट का है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट क्या है, सम कार्स आर ट्रक्स, सम स्टेटमेंट टू दिया हुआ है, सम ट्रक्स आर साइकिल, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ऑल ट्रैक्टर आर बाइक एंड सम बाइक्स आर व्हाइट, ऐसा हमारे स्टेटमेंट दिया। तो जैसे मैंने अब बताया आपको कि स्टेटमेंट देखने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको हम वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला मेरा क्या लिख रहा है कि सम कार्स आर ट्रक्स लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर देता हूं कि सम, जैसे मैंने बताया आपको वेन डायग्राम हम बनाएंगे, सम कार्स आर ट्रक ये बोल रहा था ना, तो सम कार्स आर ट्रक, तो मैं यहां क्या कर देता हूं, इसको मैंने क्या कर देना है, कार नाम देना है, और ये क्या है मेरा ट्रक, तो इसको हम क्या नाम दे देते, ट्रक दे देते, ये लिखा था ना सम कार्स आर ट्रक, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, सम ट्रक्स आर साइकिल, तो सम ट्रक्स आर साइकिल, तो हमने क्या किया, ये ट्रक है और ये क्या है मेरा साइकिल, तो ये मैंने साइकिल लिख दिया, सम कार आर ट्रक, सम ट्रक आर साइकिल, ये हमने स्टेटमेंट वन और टू हमने ड्रॉ कर लिया वेन डायग्राम में। अब क्या बोल रहा था, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, तो ये पूरा साइकिल का है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, तो ये ट्रक था और ये क्या है, ट्रैक्टर है, तो सम कार आर ट्रक, सम ट्रक आर साइकिल एंड सम ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं स्टेटमेंट फोर पे जाता हूं, ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, ये बोल रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ट्रैक्टर आर, ये क्या हो जाएगा, बाइक, तो सी ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। एंड लास्ट वन क्या बोल रहा था, सम बाइक आर व्हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, सम बाइक आर, इसको हम बोल देंगे व्हाइट, यही नाम है ना, सम बाइक आर व्हाइट। तो देखिए स्टेटमेंट हम अगर वेन डायग्राम से हम रीड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सम कार्स आर ट्रक, सम ट्रक्स आर साइकिल, उसके बाद क्या दिया हुआ था, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, देन ऑल ट्रैक्टर
आर बाइक एंड सम बाइक आर व्हाइट, ये दिया हुआ था। सबका मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूं, सम कार्स आर ट्रक, मतलब कार का कुछ पार्ट ट्रक में है, ट्रक का कुछ पार्ट साइकिल में है, साइकिल का पूरा पार्ट, साइकिल जो पूरा पार्ट है वो किस में हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर का पूरा पार्ट इंक्लूड हो रहा है बाइक में, और बाइक का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, व्हाइट है। इस सबका यही मतलब हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो सारे मेरे कंक्लूजन दिए हैं सबको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वन बाय वन चेक करेंगे। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, वन बाय वन चेक करूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सारे आंसर दिए हैं सारे आंसर का हम क्या करेंगे, सारे कंक्लूजन का एक आंसर आएगा, और फिर बाद में एक ओवरऑल आंसर हम उसको दे सकते हैं। अभी क्या लिख रहा है, जैसे मैं यहाँ सारे कंक्लूजन का नंबर लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल 6 कंक्लूजन दिए हैं। सब क्या हम राइट और रॉन्ग करते जाएंगे जो जैसा ये होगा। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सम साइकिल आर वाइट, तो सम साइकिल आर वाइट, एज वी नो सम साइकिल आर वाइट, ये हो सकता है क्या पॉसिबल, साइकिल इधर है और वाइट इधर, बट वी नो कि सम बाइक आर वाइट, बट साइकिल और व्हाइट का कोई रिलेशन नहीं, तो हम क्या कर देंगे इसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि व्हाइट का जो रिलेशन था वो सिर्फ किसके लिए था, बाइक के लिए था ना, सम बाइक आर व्हाइट ओनली, तो इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। सेकेंड क्या दिया हुआ था, सम बाइक आर ट्रक, सम बाइक आर ट्रक, तो देखिए ये मेरा क्या है रिलेशन, सम ये लिखा था ना, सम बाइक आर ट्रक दिया हुआ था, तो बाइक इधर है ये इधर है, और ट्रक क्या है इधर दिया हुआ था। सी अब क्या है क्वेश्चन, सम कार आर ट्रक और सम ट्रक आर साइकिल, तो ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, बट वी नो ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर एंड ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रक और बाइक का रिलेशन है वो इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूडेड हो जा रहा है, ये वाले ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। और ये मेरा ट्रक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये मेरा क्या है ट्रक है, ये वाला जो मेरा सर्कल वेन डायग्राम है ये क्या हमारा ट्रक है। तो सी क्या बोल रहा था, सम बाइक आर ट्रक, तो सी ट्रक का रिलेशन साइकिल की है, और साइकिल ये पूरे बॉक्स को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, तो सम ट्रक आर साइकिल, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर एंड ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, तो वी कैन से सम ट्रक आर बाइक, क्योंकि ये वाला पोर्शन ट्रक में भी आ रहा है और बाइक का भी आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट टू है वो हमारा राइट है। स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट नंबर थ्री दिया है सम साइकिल आर कार, तो सम साइकिल आर कार, सम साइकिल आर कार ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि साइकिल और ट्रक का रिलेशन है, साइकिल ट्रैक्टर है, साइकिल बाइक है, साइकिल का रिलेशन ट्रक के साथ ट्रैक्टर के साथ में है, साइकिल का रिलेशन बाइक के साथ में, साइकिल का क्या है रिलेशन ट्रक के साथ में, बट साइकिल का रिलेशन कार के साथ में नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। और नंबर फोर पे जाते हैं, क्या लिखा था, सम व्हाइट आर साइकिल, सम व्हाइट आर साइकिल, व्हाइट इधर है साइकिल इधर, बट वी नो सम बाइक आर व्हाइट, बट वी कांट से कि सम साइकिल आर व्हाइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। जैसे स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर फोर वही है, तो हम इसको क्या कर दिया, हमने क्रॉस कर दिया, वही दिया हुआ था ना ऑलमोस्ट, सम साइकिल आर व्हाइट और सम व्हाइट आर साइकिल, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, वन भी क्रॉस हुआ था, फोर भी क्रॉस है, क्योंकि व्हाइट और साइकिल का कोई भी रिलेशन नहीं है, बाइक और सम बाइक आर व्हाइट दिया है, यहां से हमने ड्रॉ कर लिया कंक्लूजन भी। अभी नंबर फाइव क्या बोल रहा है, सम बाइक आर साइकिल, कैन वी से सम बाइक आर साइकिल, नो सम बाइक आर साइकिल बोल सकते हैं क्या, मैं फिर से रीड करता हूं, क्या लिखा है, सम बाइक आर साइकिल, ये से सी ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ऑल साइकिल आर बाइक, ऑल साइकिल, साइकिल का पूरा पार्ट ट्रैक्टर में है, साइकिल का पूरा पार्ट बाइक में है, बट बाइक का जो कुछ पार्ट है वो साइकिल में है, इसका मतलब ये हुआ, जो नंबर फाइव स्टेटमेंट है इसका हिंदी में मतलब समझिए, देखिए क्या लिखा है, सम बाइक आर साइकिल, ये लिखा था, बट वी नो कि क्वेश्चन में क्या लिखा था, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, वी कैन ऑल्सो से कि ऑल साइकिल आर बाइक ऑल्सो, हम बोल सकते हैं ना इसको, देखिए साइकिल का पूरा पार्ट ट्रैक्टर में प्रेजेंट है, साइकिल का पूरा पार्ट बाइक में प्रेजेंट है, यही है, और क्या हो सकता है कि बाइक का जो कुछ पार्ट है, बाइक का थोड़ा सा पार्ट है, सम पार्ट है, वो क्या है ट्रैक्टर में भी प्रेजेंट है, बाइक का थोड़ा सा पार्ट साइकिल में भी प्रेजेंट है, और ट्रैक्टर का थोड़ा पार्ट साइकिल में प्रेजेंट है, बट साइकिल का यही था ना मेरा, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ऑल साइकिल आर बाइक, ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, एंड सम पार्ट, सम बाइक आर ट्रैक्टर, सम
बाइक आर साइकिल, यही बोला था ना, सम बाइक आर साइकिल एंड सम ट्रैक्टर आर साइकिल, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर फाइव हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये बोला था ना, सम बाइक आर साइकिल, मतलब बाइक का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, साइकिल में प्रेजेंट है। अब नंबर सिक्स क्या दिया होता, ऑल साइकिल आर बाइक्स, सो ऑल साइकिल आर बाइक, ऑल साइकिल आर बाइक, यस वी नो ऑल साइकिल्स आर बाइक, मतलब साइकिल का पूरा पार्ट ट्रैक्टर में है, साइकिल का पूरा पार्ट बाइक में है और ट्रैक्टर का पूरा पार्ट बाइक में है, यही बोल रहा है ना। तो और क्या हो जाएगा, बाइक का कुछ पार्ट ट्रैक्टर में है, बाइक का कुछ पार्ट साइकिल में है, ट्रैक्टर का कुछ पार्ट साइकिल में है और बाइक का कुछ पार्ट साइकिल में है, तो ये सम का मतलब समझिए। तो अभी इसमें से क्या बोल सकते हैं कि हम स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट फाइव एंड स्टेटमेंट सिक्स फॉलोज एंड स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर डज नॉट फॉलो। इस हमारा ये जो भी हमारा क्वेश्चन दिया था इसका समरी हमने निकाला। पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाया और वेन डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या किया, कंक्लूजन किया, कंक्लूजन से हम राइट या रॉन्ग निकाले, उसके बाद एक हम फाइनलाइज आंसर बोल सकते हैं, जो राइट है वो फॉलोज और जो क्रॉस है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलोज। तो सी फ्रेंड्स कितना ज्यादा इजी था, सम कार आर ट्रक, सम ट्रक आर साइकिल, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, ऑल ट्रैक्टर आर बाइक एंड सम बाइक आर व्हाइट, यही बोला था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइकिल का पूरा पार्ट ट्रैक्टर में है, साइकिल का पूरा पार्ट बाइक में और ट्रैक्टर का पूरा पार्ट बाइक में है, और बाइक का कुछ पार्ट ट्रैक्टर में है, बाइक का कुछ पार्ट साइकिल में और ट्रैक्टर का कुछ पार्ट साइकिल में है। तो ऐसे हम इसको अपने लैंग्वेज में याद करके समझ के और पूरे क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये मेरा बेसिक कंसेप्ट जो मेरा सिलोजिज्म का था, ये आपको कैसा लगा, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या जो भी मैंने दो क्वेश्चन लिया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है उसमें मैं क्या करूंगा, और भी कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो इससे थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। ये तो मेरा बेसिक था, इससे थोड़ा सा मैं लेवल उसका ऊंचा रखूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू।